केंद्र के तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन के लिए किसानों के अम्बाला से दिल्ली कूच को आज 2 साल पूरे हो गए। 378 दिन लंबे चले किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस ले लिए थे, मगर आंदोलन खत्म करते वक्त बनी सहमति पूरी नहीं हो पाई। किसानों का आरोप है कि उन्हें आज दिन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लीगल गारंटी नहीं मिली। वहीं आंदोलन के दौरान दर्ज हुए केस वापस कराने के लिए हरियाणा के किसान अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 नवंबर 2020 को तीन कृषि सुधार कानून बनाए थे, वहीं इसका विरोध 24 नवंबर 2020 को हरियाणा के किसानों ने दिल्ली कूच किया, जिसके बाद हजारों किसान दिल्ली के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डट गए। वहां से 11 दिसंबर 2021 को लौटे, जब केंद्र सरकार ने कानून को वापस ले लिया। वहीं हरियाणा सरकार ने दिल्ली जा रहे किसानों को अम्बाला में रोकने का प्रयास किया। इस दौरान किसानों को रोकने के लिए लाठी चार्ज, बैरिकेटिंग और वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद किसान रुके नहीं और दिल्ली बॉर्डर तक पहुँच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।